स्टैंडर्ड 6 और 98A। 7.5 साल पहले शादी हुई थी। हम डिसीज ने घटना के एक दिन पहले अपनी खुद की लड़की को पानी डुबो के मार डाला और फिर दूसरे दिन इसने फांसी लगा दी। सी वास मेंटली इल, वो मैंने डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं। अब ऑफेंस रजिस्टर होने के बाद फिर मदर फादर ने बयान ने ले लिया, मर्म जो दिए हूँ P2 मिला, SDOP की दरखास्त लगा, SDOP एप्लीकेशन मूव की, P2 में है। Yes. दिनांक 22/10/2023 को अपनी पुत्री शिवन्ना को पानी की टंकी में डुबो कर मार डाला, फिर उसने अपनी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसमें ससुराल वालों को कोई गलती नहीं और ना ही हमें वंदना की ससुराल वाले सास ससुर पति या पति की शिकायत नहीं। 306 और 498 क्यों बनाया? 7.5 साल हो गए शादी हुए, 2 बच्चे थे, 7.5 साल का भी था और एक छोटी बच्ची थी 2.5 साल की, जिसको उसने पानी डुबो के मार डाला। इसमें जो आवेदन दिया था और बता रहा हूँ सर, सर एक सेकंड पूरी बता दूँ, ये एक मिनट एविडेंस देख लेते हैं, क्या इनके अगेंस्ट एविडेंस क्या है सर? आवेदन में जो घटना के पहले भी ये सुलह सामाजिक लोगों के द्वारा पंचायत में लगातार सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन बावजूद मेरी पुत्री के साथ इन सभी लोग मारपीट और जान से मारने की कोशिश की। ये कब दिया आवेदन? ये आवेदन 16/10/23 को, 16/10/23 उसी में तो अपराध दर्ज हुआ है। मतलब घटना कब की? ये तो बात का बता रहे हैं, ये अभी जो 13/10 का, 13/10 की घटना है, 16/10। और सर इसमें जो बयान है माँ के भी हैं और बहन के भी, क्या है बयान पढ़ी? मैं घरेलू काम का, मेरी 4 लड़कियां थी, सभी का विवाह हो चुका है। सबसे वो छोटी लड़की वंदना का विवाह करीब 7 साल पहले ग्राम गगनवाड़ा के शिवराज पिता स्वयंसो के साथ जाति रीति रिवाज से हुआ। शादी के बाद वंदना के 2 बच्चे थे, जिसमें से एक लड़का शिवाय उम्र करीब 5 साल तथा लड़की शिवन्या उम्र 2 साल की थी। शादी के करीब 1 माह बाद लड़की वंदना को उसकी सास रोपती बाई एवं दामाद शिवराज दोनों घरेलू काम में शादी में दहेज कम रहने पर से हमेशा परेशान करते थे। मेरी छोटी लड़की वंदना मेरे घर आने पर हमेशा मेरे को परेशान करने वाली बात बताती थी। यह बात मैं मेरे पति विनोद तथा जेठानी हरिबाई को भी मालूम था। घर लड़की वंदना के आने पर मैं तथा मेरे पति विनोद समझाते थे कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा और लड़की वंदना उसके ससुराल गगनवाड़ा चली जाती थी। दिनांक 13/10/23 को सुबह के समय मेरे देवर रघुवीर सिंह ने बताया कि वंदना को फांसी लगा कर मर गई है तथा उसकी छोटी बच्ची शिवन्या को भी पानी में डुबो कर मार डाला है। उक्त सूचना पर तथा परिवार के लोग छोटी लड़की वंदना के ग्राम गगनवाड़ा गए। वहां पर किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है कि वंदना को किसी ने फांसी पर टांग दिया। मुझे लगता है कि लड़की वंदना ही उसकी मासूम लड़की शिवन्या को पानी में टंकी में डुबो कर मार डाला। और मेरी लड़की अपने डॉक्यूमेंट की क्या क्या फाइल किए, मेडिकल स्टेटस? मैंने अनेक्सर आईए के साथ फाइल किया है। दैट इज आई ए 22/6/24 में ये मानसिक रूप से बीमार थी। डॉक्टर इधर पहले से इलाज चल रहा था सर, 11/6 का डॉक्टर का, ये ओरिजिनल है सर मेरे पास, 15 का डिसीज का है। परिवार वाले उसने खुद अपनी लड़की को मार डाला एक दिन पहले, फिर माँ बाप ने फिर SDOP के एप्लीकेशन दी और फिर एफिडेविट दिया कि साहब ऐसी बात नहीं, घटना ये है, ये बीमार थी पहले से, अपने खुद की लड़की को मारा, यही प्रोसेसन केस है। एक दिन पहले मार्केट की सूचना हुई थी, शिवराज ने दी थी। शिवराज ने ये कहना था कि जब मैं रात में देखा तो ये बच्चों के साथ सो रही थी, जब सुबह देखा तो वो बिस्तर पे नहीं थी, देखा तो फांसी पे लटकी और उसके बाद बच्चे भी सो रहे थे वही साथ, एक बच्चा और था 6 साल का। She was under treatment. ऐसा 438 है सर। 7 साल के बाद डेथ हुई है उस। सर उसके से उसका कारण है। और उसने अपनी लड़की को डुबा के मार दिया है तो अंडर डिप्रेशन होगी, दैट्स व्हाई शी कमिटेड सुसाइड। एप्लीकेंट हैज फाइल्ड फर्स्ट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439 पुलिस 438 पुलिस स्टेशन ऑफेंसेस फुल स्टॉप। ये एक हस्बैंड है क्या? एक हस्बैंड है, सास है, सास दोनों। आप क्या लिखे हो? फर्स्ट एप्लीकेशन सो एंड सो पुलिस स्टेशन ऑफेंसेस
काउंसिल अपीयरिंग फॉर एप्लीकेंट सबमिटेड दैट डिसीज्ड वंदना वाज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिप्रेशन एंड शी वाज अंडर ट्रीटमेंट विद साइकेट्रिस्ट फुल स्टॉप बिफोर हर डेथ शी हैड किल्ड हर डॉटर नेम्ड क्या नाम है अनन्या अनन्या A day after Shivanya. A day after she committed suicide by hanging herself. She was married to applicant on कब है शादी? ये शादी हुई सितंबर 22/4/2016. 22/4/16. Full stop. There ये पहले भी reports हैं डाउरी? नहीं साहब पहले कोई report. पहले कोई रिपोर्ट है 7 साल के अंदर की? नहीं साहब कुछ कोई ऐसी पंचायत की कार्रवाई? पंचायत की कार्रवाई में वो रिपोर्ट में ही लिखा है सर ने जो लिखित आवेदन दिया है क्या इसी में लिखा था ये कि रिश्तेदारों और सामाजिक लोगों के साथ पंचायत लगाकर सुलझाने की कोशिश की गई लेकिन क्या सुलझाने की कोशिश की गई ये महसूस मैं मेरी पुत्री उसके पति से 1 वर्ष एवं एक पुत्री प्राप्ति शादी के बाद से मेरी पुत्री उसके पति एवं सास ससुर द्वारा मारपीट दहेज की मांग की जाती थी जिसकी कई बार रिश्तेदारों और सामाजिक लोगों के द्वारा पंचायत लगा सुलझाने की कोशिश की गई लेकिन उसके बावजूद मेरी पुत्री के साथ इन सभी लोगों द्वारा मारपीट और जान से मारने की कोशिश की गई ये पंचायत से कोई रिकॉर्ड आपके पास आए आई उन्हें निकलवाया है क्या पाना देखते क्या लिखा 22/4/16 she committed suicide on कब का है 13/10/23 so there is no abatement there are no ingredients of abatement as there was no positive role or inducement by applicants who deceased for committing suicide full stop offense under section 498A is punishable up to 7 years of imprisonment considering aforesaid circumstances application is allowed applicant be anticipatory bail 50,000 arresting officer problem conditions 438